आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार यहां स्टूडियो में बना हुआ है। और अब बात जरा राम मंदिर को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी की करते हैं। विपक्षी पार्टियां खासकर आरजेडी की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। आज भी आरजेडी की तरफ से ऐसे बयान आए हैं जिसने गठबंधन की चिंताएं बढ़ा दी है। पहले जरा वो बयान सुनिए। ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाओगे। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्री बाई फुले ने कही है, उसमें गलत क्या है? जब हम में तुम में खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं तो कहाँ जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थले निर्धारित की गई है निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है तो भाई ढूंढने कहाँ जाएंगे हम? ये भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया, ये मुसलमान लोग का सब देन है। डर ये भी है, हो सके ये हो ना हो। इनकम टैक्स का पैसा जो हम लोग टैक्स भरते हैं वो पैसा आपने राम मंदिर में लगवा के पहवाई लूट रहे हैं। हमने राम मंदिर बना दिया था, आपके घर से आया था पिछवा। आप हर घर में अक्षत जाना है और अक्षत के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके बदले में आप कुछ न कुछ दीजिए। एक तो भैया अपने गरीब ऊपर से हम लोग इतना देंगे तो आप क्या है? यदि देना ही है तो हम लोग के घर पर संविधान दीजिए ताकि हमारे बच्चे संविधान पढ़कर अपना अधिकार जाने। तो बिहार के ये बोल, महागठबंधन के ये बोल, विधायकों के ये बोल, लेकिन एक बात आपने नोटिस की, ये सभी विधायक आरजेडी के हैं और इसी वजह से आरजेडी की तरफ से ये जो बयान आ रहे हैं, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी इन बयानों से किनारा कर रही है। राम मंदिर पर मंत्री चंद्रशेखर ने भी बयान दिया था, अभी आपने सुना। और नीरज सिंह जो प्रवक्ता है जेडीयू के, वो कह रहे हैं टीआरपी बटोरने के लिए ये बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे बयानों से गठबंधन को नुकसान होगा। ये नीरज सिंह का आंकलन सुनिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, तो फिर जेडीयू ने सवाल उठाया, आरजेडी के नेताओं को नसीहत दी है। हम इस वक्त खड़े हैं राजवंशी नगर के हनुमान मंदिर के ठीक सामने में और हमारे साथ है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह। तेजस्वी यादव कहते हैं कि पैर टूटेगा तो मंदिर जाएंगे कि अस्पताल जाएंगे, उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी का प्रतीक है। अरे इतना तो सामान्य ज्ञान हर व्यक्ति को है कि पैर टूटेगा तो अस्पताल जाएंगे, लेकिन पैर नहीं टूटे इसके लिए लोग मंदिर जाते हैं, ये आस्था और विश्वास का चीज़ है। और माननीय मंत्री ने जो बयान दिया है बिल्कुल ही आपत्तिजनक है, वह मानसिक गुलामी है। वह तो राज्य सरकार अपने विहित दायित्व के तहत संस्कृत विद्यालय कैसे संचालित हो रहे हैं, उसके लिए पैसा कैसे दे रहे हैं, मदरसा के लिए पैसा कैसे हम दे रहे हैं? तो सरकार तो ज्ञान का मंदिर समझ कर करके उसको देती है। और पुनौरा धाम के लिए हमने 72 करोड़ रुपया दिया, तो इस ढंग का बयान जो लोग दे रहे हैं अपना टीआरपी बटोरने के लिए दे रहे हैं, इनके बयान का इनके व्यक्तित्व के विपरीत आचरण है, जो कृत्य है उसके विपरीत आचरण पेश कर रहे हैं। ये मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री है, तो वो ये संदेश क्या आपको लग रहा है कि सरकार यही कह रही है कि आप मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी का प्रतीक है, मत जाइए वहाँ? नहीं, बिल्कुल गलत। सरकार साफ तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की यह कार्यशैली है कि मंदिर क्या और मठ के अंदर में संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं तो उसको भी सरकार अनुदान देती है, तो मानसिक गुलामी के लिए देती है। ऐसे क्या फायदा होगा? केवल टीआरपी बटोरना है, कुछ से कुछ बोलते रहना है कि अब अयोध्या में मंदिर जिस दिन बनेगा प्राण प्रतिष्ठा होगी, दिन बम ब्लास्ट हो सकता है। ज्योतिष है क्या? कहाँ से जानकारी ले लिए? ये अनाप शनाप बयान दे कर करके लोग राजनीति में टीआरपी बटोर सकते हैं, जनता का दिल नहीं जीत सकते। आपको लग रहा है कि ऐसे बयान जो आ रहे हैं इससे गठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है? अरे बिल्कुल, ऐसे बयान जो आस्था का विषय है, किसी को बयान देने का अधिकार नहीं है। कार्यशैली हमारी इतनी अच्छी है, काम हमारा अच्छा है, और उस पर इस ढंग का बयान देने से नुकसान ही होता, अपना नुकसान भी, राजनीतिक नुकसान भी।
तो ये जेडीयू का नजरिया कि साहब इस तरीके के बयानों से सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, सियासी तौर पर नुकसान। ऐसे में वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे कि राम मंदिर पर आखिरकार ये सियासी बोल, तो राम मंदिर पर भ्रम कौन फैला रहा है, ये जो पूरी बहस शुक्ला जी खड़ी की जा रही है, मंदिर वर्सेज अस्पताल की बहस हो गई, मंदिर मतलब मानसिक गुलामी वाली बहस हो गई, इससे हासिल क्या होगा? नहीं, राम मंदिर को लेकर मुझे नहीं लगता कोई भ्रम है, क्योंकि जितना व्यापक तरीके से इसकी तैयारियां चल रही हैं, जैसे 50 देशों पे राम मंदिर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन बड़ा उत्सव होगा। देश भर में 5,00,000 गांवों तक सीधा प्रसारण किया जा रहा, 1,00,000 गांवों में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भजन कीर्तन किया जा रहा। भ्रम नहीं है और ना ही भ्रम फैलाया जा रहा। दरअसल जो RJD के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है वो सही है कि वो चाहते हैं कि एक नया जो हमारे साथ वर्ग जुड़ा हुआ है, खासकर मुस्लिम के सामने वो ये भरोसा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इसलिए हम राम मंदिर के इशू पे इस तरह की बात कर रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि हासिल क्या होगा, आपका जवाब ये है कि साहब कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है RJD की तरफ से। आशीष, नहीं, मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन लोगों को इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। मुझे याद है कि कुछ लास्ट ईयर रुमाना में उमर अब्दुल्ला साहब का इंटरव्यू कर रहा था, इस बारे में जब उनसे भी चर्चा हो रही थी तो मैंने उनको यही दलील दिया था कि भाई ये उनके मैनिफेस्टो में था, वो उसको लागू कर रहे हैं। मुझे लगता है इस डिबेट को वंस एंड फॉर ऑल अगर ये लोग ख़त्म कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसको एक्सेप्ट कर लें तो पॉलिटिकल नुकसान भी नहीं होगा। इस तरह का बयान मुझे लगता है कि बहुत बेतुका है। कहीं भी आप जाइए, गली नुक्कड़ सड़कों पे बाहर निकलिए तो इसको लेकर के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है जी। लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हैं, भाई कोई ये सुनना नहीं चाहता कि आप राम मंदिर के खिलाफ इस तरह के बयान दें, और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा बयान देते रहेंगे तो अपना राजनीतिक नुकसान ही कर रहे हैं। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं चंद्रशेखर, जिनके बोल अक्सर आपने सुने हैं, अभी भी राम मंदिर को लेकर वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, उनके बयान पर RJD मतलब उन्हीं की पार्टी, लालू की पार्टी, उसकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। चंद्रशेखर के बयान से उनकी पार्टी RJD अब किनारा कर रही है। राम मंदिर पर विवादित बयान को उनका निजी बयान करार दिया जा रहा है भाई वीरेंद्र की तरफ से, सुनिए। राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कुछ भी हो सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। हमारे साथ भाई वीरेंद्र है, RJD के वरिष्ठ नेता है। आप लोग को आशंका क्यों लग रहा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ी और कौन करा सकता है? देखिए, आशंका हमको नहीं लग रहा है, लेकिन देश की जनता सशंकित है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार लोग कर रहे हैं, जिस तरह से उस पर राजनीति करना चाहते हैं, जैसे पुलवामा कांड हुआ, तो आखिर कौन कांड कराया? आपकी सरकार है, और वैसे जगह पर कांड हुआ है जहां कांड हो ही नहीं सकता था, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की मिलीभगत है इसमें। तो हमको लगता है कि चुनाव है, और भी चुनाव के वक्त में ही पुलवामा कांड हुआ था, और इस समय भी 24 में चुनाव है, इसलिए लोगों को शंका, देश की जनता सशंकित है कि कुछ होने वाला है। बहुत लोग जाने वाला था अयोध्या, प्रोग्राम रद्द कर दिया कि भाई ना जाएंगे, जान बचेगा तो अयोध्या बाद में घूम लेंगे। RJD के विधायक जो है वो गया, अपना व्यक्तिगत बयान होगा, ये पार्टी का बयान नहीं है, ये अपना व्यक्तिगत दिए, आशंका जताए हैं वो। तो आपको लग रहा है कि ये चुनाव के समय में ऐसा कुछ वहाँ हो सकता है? देखिए, BJP करती रही है, और इसलिए RSS और BJP मिलकर देश में अस्थिरता फैलाना चाहती है। जब भी चुनाव आता है देश में हिंदू मुसलमान कर और इस तरह से करना चाहती है कि हम फिर गद्दी पर आ जाएं, और इसलिए देश की जनता को शंका होता है। ये जो बयान आ रहा है, आपके शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, फतेह बहादुर भी कह रहे हैं कि मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी का प्रतीक है। देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, हम सभी धर्म के लोगों को सम्मान करते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और किसी भी धर्म पर किसी को खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये पार्टी बयान से तो नुकसान हो सकता है, ये JDU के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं। मैंने कहा कि वो उनको अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सवाल तो लोगों के मन में ये भी आएगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मौका आ रहा है, विपक्ष को इतना डर क्यों लग रहा है? खैर, जिस सवाल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने लेकर आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा पर विपक्षी नेताओं के बोल आपने सुन लिए हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा पर ऐसे बोल सियासी गेम या सेल्फ गोल क्या साबित होंगे? देखिए, इस तरह के बयान तब तक तो ठीक थे जब विवाद चल रहा था, एक पोजीशन BJP की थी, एक पोजीशन नॉन BJP की थी,
और तब बयान दिए भी जाते थे। अब एक बार आशीष कह रहे हैं एक बार सुप्रीम कोर्ट से मसला हल हो चुका, भाई यही तो मांग थी, या तो अदालत से फैसला हो जाए या संसद कानून बना दे या आपसी सहमति हो जाए, उसको सब मान लेंगे। तो अदालत ने जब फैसला कर दिया है तो अब उस विवाद पर इस तरह की टिप्पणियां करना, इस तरह के बयान देना मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण भी है और अपने गठबंधन को, अपनी पार्टी के लिए भी नुकसानदेह, इसलिए पल्ला झाड़ रहे हैं। जेडीयू ने भी पल्ला झाड़ लिया, नसीहत दे दी, अब आरजेडी के भाई वीरेंद्र भी पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ऐसी नौबत ये जो मंत्री हैं, कम से कम इतना विवेक तो उनके अंदर होना चाहिए कि कब क्या बोलना है। राजनीति आप 20 साल से कर रहे हैं तो इतना विवेक भी अगर नहीं है कि इस वक्त चुनाव का समय है, आप ऐसी बातें बोल करके खुद बीजेपी को और एनडीए को मौका दे रहे हैं और अपनी पार्टी को बचाव करने के लिए मजबूर कर रहे हैं अपने संगठन को, तो कम से कम मुझे तो इनकी मतलब बुद्धि पर तरस ही आ सकता है और क्या कह सकते हैं। मतलब ना निगलते बन पा रहा है ना उगलते बन पा रहा है, इसी वजह से आस्था पर भी सवालिया निशान और कहीं ना कहीं साजिश के साए को लेकर भी सवालिया निशान, सिर्फ और सिर्फ सवाल है विपक्ष के पास। विजय जी बिल्कुल, और मैं सेल्फ गोल और सियासी गेम, सेल्फ गोल की सियासी गेम तो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसा हो सकता है कि जिस तरह से कर रहे हैं आरजेडी के लोग या जो और भी लोग हैं, आज जो माहौल है और जो विनोद जी ने, आशीष जी ने जिस बात का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये तय हो गया है, तो हर दिन इस पर बात करना, मुझे लगता है कि पार्टीज बहुत कन्फ्यूजन में भी रहती है और जो पार्टी के लीडर्स हैं यदि वो नैरेटिव खड़ा करना चाहते थे, मान लीजिए आरजेडी को देखें तो आरजेडी जातिगत जनगणना को लेकर जाति वाली राजनीति पर करना चाहती थी, तो उस नैरेटिव को दूसरे तरीके से खड़ा करना चाहिए। लेकिन हर नेता हर दिन अलग अलग बोले और फिर निजी, अब शिक्षा मंत्री का बयान क्या निजी बयान होता है किसी सरकार का, बिल्कुल सही, लेकिन उस पर आप बात कर रहे हैं तो ये नुकसान खुद पार्टी का कर रहे हैं और इससे दो चार वोट या जो दो चार लोग आपकी बैठक में जहां बैठे हुए हैं वहां भले ही आपको जिंदाबाद कर दें, ओवरऑल पार्टी का नुकसान हो रहा है, ये आरजेडी का नुकसान हो रहा है, ये जेडीयू का नुकसान हो रहा है और इंडिया गठबंधन का भी नुकसान हो रहा है। तो क्या ये जो नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं ये इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आपको राम मंदिर मुद्दा लगता है कि वोट के मामले में बीजेपी को एडवांटेज दिला देगा तो फिर उसका काउंटर आप राम मंदिर पर हमला करके नहीं कर सकते हैं। जिस बात का जिक्र विजय जी कर रहे हैं कि आप कोई काउंटर मुद्दा आगे बढ़ाइए, वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो सकता था, उसके जरिए तो फिर भी किसी हद तक दिया जा सकता है। सर इसी समझ की तो कमी है, सबसे मूल बात यह है कि समझ की कमी है। दरअसल अभी तक का जो राजनीतिक पैटर्न रहा वो यही फोकस रहा कि हिंदू और गैर हिंदू ये दो भागों में विभाजित करके अपन वोट की राजनीति करें। उनको ये लग रहा है कि राम मंदिर की इशू पे यदि हिंदू एक हो रहा है तो मुसलमान अपने आप को असहज महसूस करेगा, तो क्यों ना उसके सामने हम मसीहा बन के खड़े हो जाएं। तो आरजेडी की तरफ से जो सारा का सारा गणित के कार्य किया जा रहा है वो यही है कि मुसलमान के सामने हम ये भरोसा दिलाएं कि आरजेडी पहले भी उनके साथ था और आज भी उनके साथ है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं मुसलमानों को लेकर, मैं इससे अलग हटकर ये कहना चाहती हूँ कि साहब ये मामला, आरजेडी भी इतनी नौसिखिया तो नहीं है राजनीति में, उसको भी समझ में आता है कि मामला सिर्फ और सिर्फ मुसलमान तक अगर नैरेटिव बढ़ाना है तो वो तो 80-20 के खेल में आकर फंस जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मंदिर मतलब मानसिक गुलामी, मंदिर की जगह अस्पताल क्यों नहीं, वो बेसिकली जो वो तबका है या फिर जो उसका वोट बैंक है उसको वो एड्रेस कर रही है, लेकिन गलत तरीके से। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल ये जो है चंद्रशेखर हों या ये दूसरे मंत्री हों, ये उस तबके को एड्रेस कर रहे हैं, उसमें खाली मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो आरजेडी और जेडीयू के साथ है ही बिहार में, वो कहाँ जाएगा। मैं रोकूंगी सर आपको, इस वक्त विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो लाभार्थी हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद सीधे आपको लेकर चलते हैं। आइए अब देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लक्ष्मी प्रजापति जी जुड़े हैं, अब यहां चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री लक्ष्मी प्रजापति जी। जी मैं लक्ष्मी चंद प्रजापति। लक्ष्मी जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप लक्ष्मी जी अभी गोरखपुर से बोल रहे हैं कि गोरखपुर के दोगले के गांव से बोल रहे हैं? जी मैं विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा शिल्प ग्राम औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा। जहाँ की टेराकोटा विश्व पटल पर है। अच्छा लक्ष्मी जी आप कैसे हैं और क्या काम करते हैं बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा पूरा परिवार पूरा खानदान टेराकोटा शिल्प से जुड़ा है। मैंने एक संस्था 2000 में बनाई लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, जिसमें 12 मेंबर जुड़े हैं और 12 मेंबर के पूरे परिवार मिलाकर के 75 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनका वार्षिक आमदनी लमसम 1 करोड़ के आसपास है। ये समूह का कि एक एक व्यक्ति का?
नहीं, पूरे पूरे 75 लोगों का। हमारे समूह में 12 सदस्य हैं और 12 सदस्यों के परिवार में किसी के 6 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 4 ही हैं। कुल मिला के 75 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। इसका मतलब 12 लोग जो मैं मुखिया है, 12 लोग 25 करोड़ रुपया कमाते हैं। जी जी जी। अच्छा लक्ष्मी जी, मुझे बताया गया है कि आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP एक जिला एक उत्पाद स्कीम का लाभ बहुत लिया है और आप एक बहुत जागृत व्यक्ति है, समाज को जोड़ करके काम करते हैं, तो आप इन्हें जरा अनुभव बताइए। जी सर, मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो उनका एक अलग पहचान ODOP योजना है, उसके तहत हमारे सारे शिल्पियों को टूल किट, पावर की चाक, मिट्टी बनाने वाली मशीन, ये मुफ्त में सबको मिला है। जितने तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करते हुए लोकसभा चुनाव में हैट्रिक सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर से लाभार्थियों को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत की है। पीएम मोदी लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम। नई वैरायटी बने और बदलती हुई दुनिया इन चीजों को स्वीकार करे जी। इसके लिए हम बल दे रहे और आप जैसे लोग जितने सामर्थ्यवान होंगे, सशक्त होंगे, उतना लाभ ज्यादा होने वाला है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना सदियों से जो लोग इस काम में माहिर है, जिनके दिल दिमाग में आंख बंद होगी तो भी काम कर देते हैं, अगर उनको थोड़ा आधुनिक चीजें मिल जाए तो हम दुनिया में छा सकते हैं। तो हैट्रिक के टारगेट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संवाद, और सवाल बड़ा हो जाता है, मोदी के लाभार्थी 24 विजय रथ के सारथी बनने वाले हैं। विजय जी, इसमें सवाल जैसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि देश में इस समय प्रधानमंत्री की या मोदी सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसके करीब करीब 28 करोड़ लाभार्थी हैं। और ये जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये आप इसको भले ही पॉलिटिकल एक्सरसाइज कहें, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से भी देखता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, कि जो आप योजनाएं चला रहे हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री भी बार बार जोर देते हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं, और रिव्यू उन लोगों के साथ जो सीधे उससे जुड़े हुए हैं, तो उन तक क्या वो योजना पहुँच रही है, उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी सीधी सीधी बात आती है। कई बार होता है, आपने देखा होगा कि इस तरह के जब वो इंटरेक्शन करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमें ये मिला नहीं था, हमें इतना पैसा मिला नहीं मिला, तो वो एक रिव्यू भी हो रहा है और दूसरा उसको एहसास भी कराया जा रहा है कि भाई साहब ये योजना हमने चालू की है और उस योजना का फायदा आपको हो रहा है। जैसे विश्वकर्मा योजना का जिक्र किया, मैं बार बार इस बात पर कहता हूँ कि जो विपक्ष की जातिगत जनगणना है ना, उसका जवाब के तौर पर विश्वकर्मा योजना को खासतौर से तैयार किया गया और शुरू किया गया, जिसका फायदा अति पिछड़े और जो कारीगर जो हैं हमारे समाज, उसको बड़ा फायदा उसका मिलने वाला है। तो वो विजय रथ के कह सकते हैं, क्योंकि वो 28 करोड़ में से कितना लोग, जरूरी नहीं कि 100% हो, लेकिन वो एक पॉजिटिव होता है। बिल्कुल, वो जो एक कहते हैं ना कि साहब जो वोट बैंक है वो बढ़ जाता है धर्म और जाति में, कम से कम ये उससे अलग हटकर एक समाज में सकारात्मक बदलाव, सभी धर्म और जाति के लोग हैं, लाभार्थी वर्ग है जिनको फायदा मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं देश निर्माण में अपना योगदान भी दे रहे हैं, तो इस रूप में ये वो लोग जो सामने आ रहे हैं। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, समय 12 से 2। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव और मायावती के बीच चल रही है सियासी जंग। समाजवादी पार्टी पर मायावती ने किया है बड़ा प्रहार, समाजवादी पार्टी अति पिछड़ा विरोधी, ये कहना है मायावती का। आमने सामने अखिलेश और मायावती, मायावती ने बड़ा प्रहार समाजवादी पार्टी पर किया है, ये कहते हुए कि समाजवादी पार्टी जो है वो अति पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी भी है समाजवादी पार्टी, ये भी कहना है मायावती का। दरअसल मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही ये भी कह डाला कि BSP ने पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया था, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही समाजवादी पार्टी की कलाई खुल गई। तो मायावती और अखिलेश यादव के बीच ये जुबानी जंग अखिलेश के जिस बयान को लेकर शुरू हुई है, जरा वो भी सुन लीजिए पहले। अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा, उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा?
अखिलेश जी पर किसी पर भरोसे नहीं है। दो बार बसपा से गठबंधन किया, दो बार कांग्रेस से किया, दो बार लोकदल से किया, एक बार निषाद पार्टी से किया, एक बार भारतीय समाज पार्टी से किया। उनका खुद किसी से नहीं पटता है, दूसरे को क्या कहेंगे। मौजूदा जो हालात है देश के, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को लोकसभा सरकार बनाने से, तो मेरा मानना है अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो ये शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि इंडिया गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि किसके साथ गठबंधन होना है, किसके साथ नहीं होना। तो ये अलग अलग सियासी बयान, और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये कि उलझन में इंडिया गठबंधन, मतलब उलझन में है इंडिया, किधर जाएंगी माया, ये सवाल बड़ा है विनोद जी। ये सवाल तो ये दरअसल इंडिया गठबंधन के एक बड़े तबके की कोशिश है, इच्छा है कि मायावती उस गठबंधन में आ जाए। मायावती जी के आने का मतलब अखिलेश जी का जो वर्चस्व है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के भीतर वो कमजोर होगा, क्योंकि फिर सीटों की शेयरिंग में, साझेदारी में जाहिर है आधी सीटें वो मांगेंगी। अभी अखिलेश जी डिक्टेट करेंगे इंडिया गठबंधन को, तो ये इसलिए अखिलेश जी की एक दिक्कत है, इसलिए उन्होंने पहले ही कहा। अच्छा ये बात सही है, लेकिन अखिलेश जी के बयान को अगर आप देखें तथ्यों के आधार पर तो गलत नहीं कहा कि बात का भरोसा क्या है। मायावती जी ने कभी भी चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन नहीं किया, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने बीजेपी के साथ जाने में कभी संकोच भी नहीं किया। तो ये तथ्यात्मक रूप से अखिलेश जी की बात सही है कि बात का भरोसा कौन दिलाएगा, ये एक प्रश्न है इंडिया गठबंधन में। अच्छा मायावती जी ने कहा दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, और भाई दो बार सपा बसपा का गठबंधन हो चुका है, 1993 में कांशीराम जी और मुलायम सिंह जी का, और 2019 में मायावती जी और अखिलेश जी के समय में। 1993 में बहुत सफल हुआ और 2019 में असफल तो नहीं हुआ, आंशिक सफल हुआ कि कम से कम बीजेपी की 10 सीटें कम कर दी उन्होंने, हालांकि उम्मीद उनको थी। बीएसपी को पूरा फायदा मिला, समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं मिला, तो एक तरह से 10 की 10 सीटें बीएसपी को जो मिली शून्य से वो उस गठबंधन से मिली। तो मुझे लगता है कि ये रस्साकशी जो चल रही है दोनों के बीच में, ये शायद मतलब है कि कहते हैं ना कि दोस्ती से पहले थोड़ी तलखी होती है। आप जो बात कह रहे हैं दरअसल मैं इसी पर आना चाह रही थी कि इन बयानों से क्या समझा जाए, ये इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं क्या मायावती, ये रास्ता खुलता हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है इस तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं। देखिए जैसे विनोद जी ने कहा बिल्कुल सही है कि दोनों यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों महागठबंधन में रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी शर्त के हिसाब से। दोनों का मतलब ये है कि यदि हम कांग्रेस की शर्त पे आएंगे तो हमें अपनी सीटें खुद देनी पड़ेंगी, दोनों नहीं चाहते, दोनों का अपना वजूद है वहाँ पे, और दोनों के पास जो वोट है वो कांग्रेस का वोट है, तो वो ये भी नहीं चाहते गठबंधन में जाने के बाद हमारा वोट किसके। तो इसलिए समझौता यदि हुआ भी तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की शर्तों के आधार पे ही कांग्रेस को समर्थन समझौता करना पड़ेगा, और जैसा कि बाकी राज्यों में भी कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय कांग्रेस को इन दो क्षेत्रीय दलों के सामने झुकना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है आगे जरा आशीष से समझेंगे कि यहाँ उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी इंडिया गठबंधन में इन दोनों दलों को लाने के लिए कांग्रेस की क्या भूमिका रह सकती है, कुछ इस पर बात करें। लेकिन उससे पहले मायावती ने जिस तरीके का पोस्ट किया है एक्स पर, उस पर अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया है। अखिलेश कह रहे हैं कुछ लोगों के जो पोस्ट हैं हम वो नहीं पढ़ते, ये कहना है अखिलेश यादव का। मैंने अभी आपको खबर बताई थी किस तरीके से मायावती की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर जाकर पोस्ट किया गया, और पोस्ट कर एक के बाद एक निशाने पर समाजवादी पार्टी को लिया गया, कहते हुए अति पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। और उसी पोस्ट पर अखिलेश यादव का ट्वीट कि हम कुछ लोगों के पोस्ट पढ़ते ही नहीं है, सुनिए। या गठबंधन के साथ जो दल साथ लड़ेंगे, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता साथी मिलकर के जो जहां लड़ेगा वहां उसकी पूरी जिम्मेदारी से मदद करने का काम करेंगे। एक्स हम पढ़ना छोड़ दिए, कुछ एक्स हम पढ़ते ही नहीं है, कुछ लोगों का हम पढ़ते ही नहीं है, और क्योंकि नहीं नहीं बहुत से लोगों का नहीं पढ़ते। देखिए पेज फंसा हुआ है, सवाल बना हुआ है कि 24 के बिसात माया किसके साथ। लेकिन उससे पहले आशीष, क्या कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका रह सकती है दोनों पार्टियों में, समाजवादी पार्टी बीएसपी में जिस तरीके की तलखियां हैं उसको खत्म करके मायावती को इंडिया गठबंधन के साथ ले आने। देखिए जो नए प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से अविनाश पांडे रुमाना, उन्होंने कहा कि वो संपर्क में है बीएसपी के, तो रोमांस तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस इस बात से मैं डिनाई नहीं करूंगा कि कोशिश कर रही है, लेकिन जो हायर अप कांग्रेस सोर्सेज हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन है उनकी बात से लगता नहीं कि ये बहुत आसानी से मटेरियलाइज हो पाएगा। समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपना बहुत
फर्म स्टैंड कन्वे किया था लास्ट इंडिया अलायंस की बैठक में कि अगर मायावती आती हैं, कांग्रेस उनसे बात करती है, तो हम इस अलायंस में नहीं होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले इतना कम वक्त रह गया है कि अगर कोई विंडो होता है ना रोमाना, कोई गुंजाइश बची होती है, तो टॉप लीडर्स इस तरह का स्टर्न पोजिशन नहीं लेते जैसा अखिलेश यादव ले रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है चुनाव के पहले इसकी गुंजाइश बहुत ब्लीक, बहुत कम है। तो विजय जी, मतलब साथ की गुंजाइश खत्म, तन्हा तन्हा? गुंजाइश कम होती जा रही है लगातार, और उसकी वजह भी है ना, क्योंकि अखिलेश जी को भी समझ में आता है कि यदि मायावती वहाँ आ गई तो उनकी जो जगह है ना वो कम हो जाएगी। अब ये वन बेडरूम सेट है, उसमें अखिलेश जी अकेले रहना चाहते थे, फिर कांग्रेस भी उसमें साथ आ गई, अब मायावती जी भी आ जाएं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेस तो उतनी की उतनी है, तो वो उस स्पेस को लेना चाहते। लेकिन मैं इसका दूसरा पक्ष कहना चाहता हूँ, एक बात याद रखिए, मायावती जी के साथ जब उनके पास पिछली बार 2014 में सीट कोई नहीं आई थी तब भी 18% वोट था, 2019 में जब 10 सीटें आईं तब भी 18% वोट था, तो वो केवल अखिलेश की वजह से आया हो ऐसा नहीं है। और यदि आज आप उनको इतना पुश कर देंगे तो ये नुकसान इंडिया गठबंधन के लिए होगा, और वो 18% वोट मायावती जी लेकर कितनी भी सीटें लेकर आए, वो उनको आप भारतीय जनता पार्टी के करीब पहुंचाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस को इस बात समझ में आ रही है, इसलिए वो मायावती जी के साथ लगातार लगी हुई है, और गठबंधन में ऐसा हो सकता है कि वो दोनों लोग लास्ट मिनट पर फिर साथ में आ जाए, लेकिन वो ट्रांसफर जैसा कोई संभावना मुझे नहीं लगती। देखिए, बयानों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं। लालू यादव और नीतीश कुमार के बयान अगर पुराने उठा लिए जाए तो इस हिसाब से उनको साथ ही नहीं होना चाहिए, दो दो बार साथ आ चुके मायावती सर्किट हाउस कांड के बाद मायावती जी का और सपा का गठबंधन भी नहीं होना चाहिए था। हुआ तो ये मैं कह रहा हूँ, और ये मुझे तो लगता है कि बुआ भतीजा जो है दोनों के बीच में दोबारा एक मधुर संबंध बने उसके लिए पहले थोड़ी तलखी जरूरी है। जैसे खाने में जो है पहले छौंका जो है वो जो मिर्चा विर्चा लगा करके आप याद करिए तेल वेल डाल के उसके बाद सब्जी पड़ती है, तो कुछ उसी तरह का है कि पहले तो तलखी निकाल लो एक दूसरे से निकल सकती है, और उसके बाद जैसा कि आशीष भी कह रहे हैं कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका ये है दोनों को साथ लाने की। और मेरी जहाँ तक जानकारी है 3-4 महीने पहले सोनिया गांधी और मायावती जी की फ़ोन पर बात भी हुई थी। अच्छा, और उसके बाद से ये प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई। इंडिया गठबंधन बनने से पहले की बात बता रहा हूँ, अब और 3-4 महीने में और पहले की बात है, तब इंडिया गठबंधन बना नहीं था, इंडिया गठबंधन बनने की प्रक्रिया चल रही थी, और उस दौरान किसी ने बात कराई थी, उस जिन सज्जन ने बात कराई थी जिन्होंने मुझे बताया था, वो इस वक्त दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है। तो लेकिन उसके बाद वो कितनी आगे बढ़ी, अविनाश पांडे जैसा कि आशीष कह रहे हैं कि संपर्क में है, अविनाश पांडे बहुत सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति हैं और वो थोड़ा तालमेल कराने में उनकी एक विशेष रूप से मतलब वो झगड़ा झंझट करने वाले नहीं है कि नाराज होकर चले आए, तो अगर वो हैं बीच में तो कुछ ना कुछ जो है इसमें निकलेगा। अब कब निकलेगा, समय तो बहुत कम है, बिल्कुल निकलेगा कि और किस तरह निकलेगा, लेकिन जितनी बयानबाजी होगी उतना वोट बैंक में जो जनाधार है उसके पास आने में मुश्किल होती है। मुश्किल कितना कांग्रेस मीडिएट कर रही है उससे ये तय होगा कि वो दोनों लोग साथ रहते हैं कि नहीं रहते। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और आगे जब लौटेंगे तो कांग्रेस की एक और तैयारी चल रही है, हर लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोऑर्डिनेटर्स के नाम पर मोहर लग रही है, तो ये हर सीट पर कोऑर्डिनेटर कांग्रेस को आखिर क्या डर, इस पर भी आगे बात करें। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, समय 12 से 2, अब बात कांग्रेस की जिसने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अब एक बड़ा फैसला लिया है, और फैसला ये है कि कांग्रेस ने 539 लोकसभा सीटों पर बाकायदा संयोजक मतलब कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया है। 4 और संयोजकों के नाम का ऐलान जल्द कर लिया जाएगा, मतलब कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस की तरफ से हर सीट के लिए एक संयोजक तय। संयोजक अपने क्षेत्र का पूरा सियासी आकलन करेगा, सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग को लेकर फीडबैक भी पार्टी की तरफ से ली जाएगी उसी संयोजक के जरिए। तो सुनते हैं कांग्रेस पार्टी की इस तैयारी के बारे में क्या बता रहे हैं पार्टी अध्यक्ष। In all 500 constituencies we are working, and already we have finalized 500 our parliament observers. अब ऐसे में सवाल पूछा जा सकता है कि साहब हर सीट पर कोऑर्डिनेटर, तो कांग्रेस को क्या डर, या फिर सवाल ये भी उठाया जा सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी की तैयारी या डर, किस रूप में देखा जाए? दोनों। तैयारी इसलिए क्योंकि संगठन को जब तक आप मोबिलाइज नहीं करोगे तो चुनाव में आप मतदाताओं को, जो कांग्रेस का मतदाता है उसको भी आप पोलिंग बूथ तक नहीं ला सकते। इसलिए यदि कोऑर्डिनेटर रहेगा तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को लगातार संपर्क में रह के वह मतदान केंद्रों पे उनको सक्रिय करेगा, तो कांग्रेस का जो मतदाता है उनको लाने में मदद मिलेगी। डर ये कि क्या यदि ये तैयारी नहीं की गई तो पहले की तरह ऐसा तो नहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता सुस्त होकर बैठा रहेगा और फिर
कांग्रेस का वोट होने के बाद भी कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहे तो ये डर भी है। इसलिए ये पहल जो संगठनात्मक तौर पे की जा रही है मुझे लगता है अच्छी है, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये भी है कि जिन जगहों पर जिन सीटों पे समझौते के तहत दूसरे दलों को दी जाएगी वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना सक्रिय हो पाएगा और वहाँ का मतदाता कितना रजामंदी के साथ उस सहयोगी दल को वोट दे पाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। संयोजक की एक तरीके से सबसे बड़ा टेस्ट होगा, शायद इसी वजह से जिम्मेदारी तय की जा रही है और हर लोकसभा सीट के लिए एक संयोजक का नाम कांग्रेस की तरफ से जो तय किया जा रहा है। आशीष देखिए, बीजेपी करे तो स्मार्ट मूव, कोई और करे, कांग्रेस करे और दूसरे करें तो डेस्परेशन, आई डोंट बाय दैट आर्ग्यूमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्मार्ट मूव है, अच्छा कदम उठाया है, बीजेपी को टक्कर देने वाली है लोकसभा इलेक्शंस में कई कंस्टिट्यूएंसी में अक्रॉस दी कंट्री, तो 539 सीट्स पे उन्होंने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए। जो शुक्ला जी कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का एहसास होगा कि जहां अलायंस होगी वहां पर भी हमें अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज रखना है, ये इंश्योर करना है कि वोट ट्रांसफर हो, और जहां नहीं होता है वहां सीधी लड़ाई में जो भी पार्टी वहां पर हो, मुख्यतः बीजेपी, उनको टक्कर देना है। तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक सोच है जिसका नतीजा है कि इस तरह का फैसला लिया गया है, एंड इट इज़ बेटर प्रिपरेशन, इसको मैं ऐसे देखता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं तो इसको बेहतर प्रिपरेशन के तौर पर भी देखता हूँ और बीजेपी का फॉलोअप भी देखता हूँ। बीजेपी ये काम हमेशा से करती रही है, पन्ना प्रमुख से लेकर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसके प्रभारी तक। इसको दो भूमिका में देखना चाहिए। फर्स्ट फेज की जो भूमिका है वो ऑब्जर्वर के तौर पर, जो खड़गे साहब ने कहा ऑब्जर्वर के तौर पर, कि वो अपनी ग्राउंड रिपोर्ट पार्टी को, संगठन को, केंद्रीय नेतृत्व को दे सकती है कि भाई इस सीट पर हमारे समझौते का क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा, सीट जानी है कि नहीं जानी है। दूसरे लेवल पर जब वो संयोजक के काम करेगा, जब चुनाव हो रहे होंगे, वोट डाले जा रहे होंगे, तो वो पार्टी को मोबालाइज करेगा, गल्वनाइज करेगा, और यदि सहयोगी की भी सीट है तो वहाँ पर ये इंश्योर करे कि पार्टी का जो वोटर है वो वहाँ तक पहुँचे, ताकि ये भरोसा बनता है गठबंधन में। नहीं तो जो मायावती जी जैसे बार बार शिकायत करती कि हमारा वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है, आपका वोट ट्रांसफ़र नहीं होता, तो वो कोऑर्डिनेटर ये भी मोबालाइज करे कि मान लो बीएसपी के साथ समझौता हो रहा है तो कांग्रेस का वोट बीजेपी के कैंडिडेट को भी मिले, तो कांग्रेस की ये जो मिले। तो कांग्रेस की ये जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाने वाली है, कोऑर्डिनेटर को भी तय करने वाली है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाने वाली है। और ऐसे में अब एक और महत्वपूर्ण जो बयान सामने निकल कर आया वो भी गठबंधन के हित में बयान सामने आ रहा है, सीट बंटवारे को लेकर है, क्योंकि यहां पर सहयोगी इंडिया गठबंधन में आरजेडी, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी को लेकर बात की जाए। कल बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की आरजेडी के साथ जो बैठक हुई है उसके बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्वालिटी पर जोर दिया है, सुनिए। क्या हुई बातचीत सर, क्या हुई बातचीत, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर, कितने सीटों पर सर, कोई नहीं, कितने सीटों पर, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं। सर एक मिनट, सर क्या हुई बातचीत सर, क्या हुई बातचीत, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर, कितने सीटों पर सर, कोई नहीं, कितने सीटों पर, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं। सर एक, तो विनोद जी अगर टेम्पलेट यही सेट होती है, टेम्पलेट की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर बात करो, फिर तो शायद रास्ता आसान हो जाएगा। नहीं, ये बड़ा सही मनोज झा का है भाई, क्वालिटी का मतलब जीतने लायक उम्मीदवार, विनेबिलिटी, जो पार्टी जहां जीत सकती है। अगर मान लीजिए बिहार की बात करें, हो सकता है कुछ सीटें ऐसी हो जहां कांग्रेस का बेस अच्छा हो, कांग्रेस जीत सकती है, तो कांग्रेस लड़े और बाकी सपोर्ट करें, इसी तरह अन्य राज्यों में भी। तो मुझे लगता है क्वालिटी का पैमाना अगर रखा जाएगा, विनेबिलिटी का पैमाना रखा जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीटों का तालमेल हो सकेगा। अब लड़ने के लिए कांग्रेस पिछली बार कितनी सीटें लड़ी थी, 400 से ज़्यादा सीटें लड़ी थी, और उसके बाद सीटें आई 53, तो फ़ायदा क्या। आप 250 सीटें लड़िए, 300 लड़िए या 200 लड़िए, जो भी लड़िए, लेकिन जीतने वाली सीटें लड़िए, जितनी जीतेंगे उतनी सामने वाले का कम करा पाएंगे। नंबर से कुछ हासिल नहीं होगा, क्वालिटी पर जाना होगा।